नमस्कार दोस्तों, पेबल्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बता रहे हैं दिवाली की शुरुआत की कहानी। भारतीय सभ्यता में त्योहारों का एक मुख्य स्थान है। हर त्योहार की अपनी ही एक कहानी है। हमारे पूर्वज दिवाली को रोशनी की शुरुआत मानते थे। दिवाली का केंद्र बिंदु है अच्छाई की बुराई पर विजय, रोशनी यानी जीत, अंधेरा यानी हार। इंसान होते हुए भी उसे नर राक्षस कहा गया है, क्योंकि वो विकारों से भरा हुआ था। वह नाम था नरकासुर का। कहानी के अनुसार नरकासुर प्रज्ञाधीशपुर का भूमि का शासक था। वो वर्तमान नेपाल के पास है। वो केवल लोगों के लिए नहीं बल्कि देवताओं के लिए भी खतरा बन गया था, भूदेवी पुत्र नरकासुर। नरकासुर ने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि मुझे मेरी माँ के सिवा कोई और मेरा मुझे नष्ट नहीं कर सकता, और ब्रह्मा भी नहीं। उसके बाद उसकी दृष्टता बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे नरकासुर की बाढ़ बढ़ती गई, सभी देव देवी देवताएं साथ आ गए और कृष्ण से मिलने गए। उन्होंने नरकासुर का दमन किया और उनसे अपील की कि लोगों को रिहा कर दे। देवताओं के आने और अपील करने से कृष्ण भी सीधे मैदान में उतरे। नरकासुर द्वारा प्राप्त किए वरदान के बारे में जानकर कृष्ण अपने रथ पर चल के सत्यभामा के पास चले गए, जो कि भूदेवी का पुनर्जन्म है, और एक भयंकर युद्ध का आरंभ हुआ नरकासुर और कृष्ण के बीच। युद्ध के दौरान नरकासुर के छोड़ा हुआ तीर कृष्ण को बेहोश कर देता है। जैसे ही कृष्ण बेहोश होते हैं, सत्यभामा ने धनुष उठाया और निशाना लगाया नरकासुर पर। नरकासुर गिर जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि सत्यभामा उनकी माँ है। उन्होंने अपनी माँ से प्रार्थना की कि मैं खड़ा होना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जिनको मैंने बहुत तकलीफ दी। मेरी प्रार्थना है कि देवता और लोग जो मेरी पकड़ में हैं वो मुक्त हो जाएं। मिठाइयाँ चढ़ाई जाए और इस दिन को धूमधाम से मनाया जाए। महाविष्णु और सत्यभामा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। दिवाली उस दिन के रूप में मनाई जाती है जब नरकासुर गायब हो जाता है और आनंदित हो जाता है। इसे कृष्ण लीला पुराण कहते हैं। प्रातः उठकर नरकासुर का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसके सर में तेल लगाया। ये प्रथा आज भी दक्षिण में प्रचलित है, जहाँ लोग दिवाली के दिन सुबह तेल लगाकर स्नान करते हैं। आज भी ये त्यौहार कई जगहों पर मनाया जाता है, जैसे बांग्लादेश, फिजी, मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका। साथ देने के लिए धन्यवाद, और आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं।